बिला किशोरदा की याद में कल गिरने की तरह सांगर में भी चेहरे के हवाले से मातमे जुलूस और मजालिस के इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए। हरिपुर डिग्री कॉलेज के करीब फायरिंग, नोया आबी में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, 3 अफराद जहां बाग, 2 जख्मी। एक्टाबाद में बापटा की निजी गाड़ी के खिलाफ बापटा मुलाजमीन का एहतजाज। हजारा वन न्यूज टीवी का पहला बाकायदा न्यूज चैनल, जिसकी इफ्तिताही तकरीब होने जा रही है जलाल बाबा ऑडिटोरियम में, का डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के जेर निगरानी बेहतरीन टीम, कैमरा मैन, एवी इंजीनियर, सेट डिजाइनर, प्रोफेशनल एंकर्स, न्यूज कास्टर्स और रिपोर्टिंग टीम। इस बेहतरीन इवेंट पे हम ला रहे हैं आपके लिए ऐसे रंगारंग प्रोग्राम्स जिसमें पेश किए जाएंगे हजारा के रंग, हजारा की रवायत, हजारा की सकाफत और हजारा का कल्चर, अपने मन का मुजाहरा करेंगे नामवर फनकार। किस लिए तुम हिजाब करते हो, जा रही है एक ऐसी पुरवकार तकरीब जिसे आप मुद्दों याद रखेंगे, तो शामिल होना मत भूलिएगा। हजारा वन टीवी एबटाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हजारा वन के साथ अंबर मलिक, खबरें तफसील के साथ। कर्बला की शहदा की याद में कल पूरी दुनिया की तरह सांगर में भी चहलम के हवाले से मातमे जुलूस और मजालिस के इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए। इस हवाले से डीएसपी आसिफ अराय का कहना है कि उनकी हदूद में 2 बड़े मातमे जुलूस खंडराव और शाहपुर चौकर से बरामद हो गए, जिसके तमाम इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए। रिपोर्ट कर रही हैं सागर से अजीजा रहमान ने। कल हमारे पास मुहर्रम के 40वें के सिलसिले में पीएस खल्लो और पीएस शाहपुर चाकर में जुलूस बरामद होंगे, जिनकी सिक्योरिटी जो है वो हमने चेक कर ली है और डिप्लॉयमेंट कर दी गई है वहाँ पर। एसएचओ साहिबान के साथ मैंने कल ही उनके सारे रूट जो है वो पैदल और गाड़ियों पे जाकर गश्त किया है, उस एरिया सारे को देख लिया है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी लगी हुई है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम बड़ी खैर खरीत से इस इवेंट को निभाएंगे और एसएसपी साहब के सख्त हदायत हैं और उस पर अमल दरामद होगा और उन पर नजरदारी होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल का दिन जो है बड़ी खैर खैरियत से गुजर जाएगा। और आप सब जब से आप आए हैं सबसे कारगर, जब से मैंने यहाँ चार्ज लिया है अल्लाह का शुक्र है, मेरी हदूद के अंदर कोई भी ऐसी वारदात नहीं हुई है जिसको सीरियस वारदात कहा जाए। छोटे मोटे घरेलू झगड़े ऐसी कोई बात हो जाती है, बाकी और कोई ऐसी बड़ी वारदात नहीं है। बाकी ताबड़तोड़ हमले हमारे जो हैं वो पुलिस के हो रहे हैं, उनके ऊपर हमने मुलज़िम गिरफ़्तार किए हैं, ठहरे वाले, मंशियात वाले, पुड़ियाँ बेचने वाले और चर्च वाले, जुए वालों को गिरफ्तार किया है, इसके अलावा हथियार बरामद किए हैं उनको गिरफ्तार किया है। तीनों थानों पे हमारी जबरदस्त कार्रवाइयां जारी हैं और ये जारी रहेगी इंशाल्लाह। हरिपुर डिग्री कॉलेज के करीब फायरिंग, नोया आबी में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, 3 अफराद जहां बाग, 2 जख्मी। रेस्क्यू कंट्रोल रूम को इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 हरिपुर की मेडिकल टीम एम्बुलेंस के हमरा जाए वकुआ पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 हरिपुर की मेडिकल टीम ने जख्मी अफराद को तिबी इमदाद देते हुए हरिपुर के ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया, जहाँ बाग अफराद में 60 साल मोहम्मद अफजल, 30 साल उस्मान अफजल और 55 साल फजल इलाही शामिल। जख्मियों में 38 साल कामरान अफजल और 27 साल कासिम अफजल शामिल है। तमाम अफराद का तहल्लुक डोया आबी से था। खबर शामिल करते हैं, एबटाबाद से बापटा की निजी गाड़ी के खिलाफ बापटा मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाज में यूनियन के सदर मुकर्रीन ने खिताब किया। उनका कहना था कि जब तक हुकूमत वक्त अपना मौकफ तब्दील नहीं करती हमारा एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन हमारा लाइन स्टाफ जहनी मरीज हो चुके हैं, क्योंकि रात नहीं होती, दिन नहीं होता, कोई टाइम मुकर्रर नहीं उनका, जिस वक्त भी बुलाया जाए कि आ जाए, अगर नहीं आ सकते तो दूसरे दिन उनकी तनख्वाह बंद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज पूरे पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान वर्कर कन्फेडरेशन इंक्रीमेंट का खात्मा और पेंशन का खात्मा। रियासत मदीना का वो वली जो रियासत मदीना बनने से पहले बुलंदोबाग दावे करता था कि मैं आऊँगा, ये कर दूँगा, 1 करोड़ नौकरियाँ दूँगा, 50 लाख घर दूँगा, चोरों को पकड़ के सरेआम चुराओं पे लटकाऊँगा और इंसाफ जो है
मुल्क होगा, अदारे होंगे, ये बच्चे, ये नौजवान नस्लें, ये आवाम इस मुल्क में खुशहाल होगा। अदारे तबाह कर दोगे, ढांचा तबाह हो जाएगा, तो फिर खुदा ना ख्वास्ता हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तहरीक हो जाएगा। ज्यादा है, मासूल है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, टीवी फीस है, इस वजह से हम बदनाम हो गए, करे कोई तो परे कोई। मेरे भाइयों, ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत वापता के नाम पर कर्जे लिए गए, बिजली महंगी करते गए, इसका खमियाजा। ये थी अब तक की न्यूज़। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए हज़ारा एवं डॉट टीवी। को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।